आभार और अभिनंदन। सबसे पहले मैं गोंडवाना दर्शन के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं उषा किरण अतराम मैडम जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने ही मुझे गोंडवाना दर्शन के साथ जोड़ा है। तत्पश्चात मैं नंद किशोर नेतम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, कमलेश जी और विचू अड्डे जी और साथ में शायद सताली मैम भी उपस्थित हैं। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोग आदिवासी भाषा साहित्य और समाज की रक्षा और संवर्धन के लिए आप लोगों ने गोंडवाना दर्शन का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है और देश के सभी रचनाकारों को साहित्यकारों को जोड़ने का काम किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महान कार्य है, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और जितने भी दर्शक अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको एक बार और मैं अभिनंदन और जोहार करती हूँ। मूलतः मैं झारखंड की उरांव आदिवासी जनजाति में आती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, जिनमें उरांव जनजाति एक प्रमुख जनजाति है और जिसकी भाषा कुड़ुक भाषा है। इसीलिए उरांव जनजाति के लोग अपने आप को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। जैसे कि मैं अपनी भाषा में बोलूँगी, नाम कुड़ुखत, यानि हम कुड़ुक लोग। और किसी को मैं अगर परिचय देना चाहूँगी तो वो उनको कहूँगी कि आस कुड़ुखा सिकदस, यानि वो कुड़ुक बोलने वाला व्यक्ति है। और महिला के लिए कहूँगी आद कुड़ुखनी ही के, मतलब वो कुड़ुक बोलने वाली महिला है। तो मैं मतलब कि इसीलिए झारखंड में हम अपने आप को नाम कुड़ुखत कहकर गौरव का अनुभव करते हैं। मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि ये जो उरांव जनजाति के लोग हैं ये सिर्फ झारखंड में नहीं हैं, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार में हैं और नेपाल में भी हैं। और अंडमान निकोबार और नेपाल भी मुझको जाने का मौका मिला, वहाँ भी मैंने अपने उरांव भाइयों के साथ वार्ता की है। वे भी वहाँ पूरी तरह से कुड़ुक भाषा बोलते हैं और चाय बगान में भी हमारे जो भाई बहन हैं वे सभी उरांव भाषा, मैंने उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं, नेपाल में भी बोलते हैं। ये जो हमारा कुड़ुक भाषा है ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और इसीलिए जितने भी द्रविड़ भाषा परिवार में अन्य भाषाएं जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है और माल्टो, ब्राह्मी जो भाषा है, इनके जो शब्दकोश हैं ये कुड़ुक भाषा के शब्दकोश से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। ये इसीलिए मैंने अगर वो कुछ बात करेंगे ये लोग तमिल, तेलुगु या कन्नड़, तो उनकी बहुत सी भाषाएं मैंने भाषा जब बोलेंगे तो हम लोग उनके भाषा में कुछ शब्दों को हम लोग मतलब ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा भाषा का परिचय हुआ। और उसके बाद मैं आगे, चूँकि उरांव जनजाति से मैं आती हूँ इसलिए मैं अपने उरांव जनजाति की विशेषताओं को, उनके पर्व त्यौहार को, उनके जो प्रमुख संस्कार हैं, उनके जो कुछ बहुत माने लोकगीत हैं उन पर भी मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। और उरांव तो बहुत सरल सीधे साधे होते हैं, जल जंगल जमीन से इनका बहुत लगाव और जुड़ाव होता है। जल जंगल जमीन के लिए अपने रक्षा के लिए अपने जान तक देने को तत्पर हो जाते हैं और इसीलिए बहुत क्रांतियां भी पहले हो चुकी हैं जिनमें उरांव लोग, उरांव मुंडा सारे लोग, ये जितने आदिवासी हैं सबको जंगल से लगाव होता है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके जल जंगल जमीन में किसी तरह का मतलब कि दखलंदाजी हो और ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये है हमारे उरांव जनजाति में भी इस तरह की भावना है। इसलिए जितने हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, गाँव है, अधिकांशतः ये मिलते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, गांव मतलब पहाड़ के नीचे तराई में माने ये बसे होते हैं। और चूंकि जंगल से इनका जीवन यापन भी जुड़ा होता है तो ये सब है।
तो ये मैं विशेषकर मतलब अपने उराव रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति पर मैं आप लोगों को कुछ बतलाना चाहूँगी, ताकि आप भी हमारे उराव समुदाय के बारे में जान सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे उराव समाज में बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, महिलाएं और पुरुष सभी मिलजुल कर कृषि कार्य करते हैं। कोई भी काम, सिर्फ ये लोग हल नहीं चला सकती हैं महिलाएं, बाकी सारा कृषि का कार्य महिलाएं करती हैं। इनके बिना तो कोई काम संभव हो नहीं पाता है। तो मिलजुल कर सभी लोग कृषि का कार्य या दूसरे कार्यों को भी संपन्न करते हैं। ये एक बहुत अच्छा गुण है हमारे उराव बने समाज का। और बहुत सारे ऐसे विशेषताएं हैं जो अन्य आदिवासी हम समाज में भी मिलता है, वो हमारे उराव समाज में भी मिलता है। तो यदि हम देखना चाहें तो जो विशेषताएं हैं उनको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि एक सामुदायिकता की भावना हमारे उराव समाज में मिलती है। सामुदायिकता की भावना मतलब सहयोग या मदद की भावना जिसको हम कहते हैं। कोई भी बड़ा काम होता है तो उसमें सभी पूरे गांव वासी मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसी को हम लोग सामुदायिकता की भावना बोलेंगे, मदद की भावना बोलेंगे। जैसे अगर हम देखते हैं कृषि के कार्य को भी हम लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी मौसम कृषि का है, तो किसी के घर में धान रोपनी का कार्यक्रम होने वाला है, तो वो माने जो खेत का मालिक होता है पूरे गांव में गांव वालों को बोल देता है कि मैं कल धान रोपनी करना चाह रहा हूँ, आप लोग सहयोग दीजिए। पूरे गांव के लोग माने हल लेकर के पहुँच जाते हैं और उनके माने खेत को लोग माने कदवाते हैं और रोपा के लायक बनाते हैं, बीड़ा छींट देते हैं। तो ये एक बहुत माने बहुत सुंदर सहयोगपूर्ण काम होता है। और उसमें जब धान रोपने के लिए महिलाएं जाती हैं तो जो खेत का मालिक होता है उसके पैर में बीड़ा, आप लोग जान रहे हैं जो बीड़ा होता है, उसको बांधते हैं कि हम आपके सहयोगी हैं, आपके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। इसको हम लोग अपनी भाषा में बांधना बोलते हैं। तो ये एक प्रेम पूर्ण व्यवहार हुआ, मतलब प्रेम दर्शाना हुआ है ना, तो ये बांधना होता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने रोपा एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। बनिहार यानी काम रोपने वालों को खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही मुर्गा का बांग बोलता है सुबह को, सभी महिलाएं हल्ला कर देती हैं, आवाज़ लगाती हैं कि चलो चलो उसका फलना का रोपा रोपना है, उनका बीड़ा उखाड़ने जाते हैं। सभी को ये अंधेरे मुंह उठ करके बीड़ा उखाड़ने जाते हैं, इसलिए बीड़ा भी उखड़ जाता है। उसका फिर लौट कर आती हैं, खाती पीती हैं, उसके बाद से रोपा रोपने के लिए खेतों में पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से उनका रोपा का काम सामुदायिकता की भावना से हो जाता है। इसी तरह से पारी पारी सबों के खेतों में रोपनी का काम हो जाता है। और चूंकि रोपनी का मौसम अभी है और किस तरह से रोपनी के समय लोग गाना गाते हैं, मैं एक छोटा सा गाना भी गाना चाहूँगी, आप लोग सुनना चाहिएगा। भाषा तो कुड़ुख में है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके बतला दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, गाती हूँ इस गाने को। काकड़ो जे गोलायु ये धामे ना जे पटा चुगी है रे भैया, काकड़ो जे गोलायु ये धामे ना जे पटा चुगी है रे भैया, धमे ना जे पटा चुगे ढूंढ ले जे बीड़ा छिटी है रे भैया, ढूंढ ले जे बीड़ा छिटी बकीला जे रोपाई दी है रे भैया, बकीला जे रोपाई दी मुँह हजे डंडी पड़ी है रे भैया, मुँह हजे डंडी पड़ी बदाली जे चेप पोंदी है रे भैया। ये गाना लोग गाते गाते महिलाएं रोपा रोपती हैं, बहुत तेजी से उनका हाथ भी चलता है, मुंह भी चलता है। और बारिश होती है तो लोग गुंगू भी ओढ़ते हैं, पत्ती का बना हुआ गुंगू होता है,
आजकल तो लोग छाता पकड़ती हैं, उससे काम करने में असुविधा होती है, लेकिन पत्ती का जो बनाया हुआ सिहर पत्ती का गूंथ गूंथ कर बनाती हैं महिलाएं, उसको जब ओढ़ती हैं बरसाती की तरह, तो दोनों हाथ फ्री हो जाता है, तो लोग खूब अच्छा से रोपा रोपती हैं। तो अभी जो मैंने कुड़ुख में जो गाना गाया, इसका यही मतलब अर्थ है कि केकड़ा हल चला रहा है, धामन सांप वो पटा मार रहा है, मतलब समतल कर रहा है, ये कदवाया खेत को, और उसके बाद से जो डुंडलू होता है, जो ये डुंडलू बोलते हैं हम लोग, बेंग का छोटा छोटा जो बच्चा होता है उसको डुंडलू बोलते हैं, जिसमें पूंछ जैसा निकला होता है, बाद में वो मैंने मेंढक का रूप ले लेता है, तो वो बीड़ा छींट रहा है, और डुंडलू या बीड़ा छींट रहा है तो बगुला है, धान रोप रहा है, और यदि बगुला धान रोप रहा है तो सामने मेंढक टटरा रहा है, और मेंढक के टटराने से ये बारिश भी हो रही है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर मतलब कि प्रकृति के साथ जोड़ करके ये गाना बनाया हुआ है, और गाने में बहुत मज़ा आता है, खुद भी मैंने गा गा कर, मैं तो रोक चुकी हूँ इसलिए हमको अच्छा लगता है। और ये किसके साथ एक गाना और मैं सुनाना चाहूँगी गीत, वो है जो हल जोतने के बाद बैलों को चरने के लिए, घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो जल्दी चरते नहीं, उनका पेट तो खाली है, सुबह से काम माने हल जोतने का काम कर रहे हैं बैल, तो जो चरवाहा होता है वो बहुत परेशान होता है कि बैल तो चर नहीं रहे हैं, घास चर नहीं रहे हैं, तब वो भी एक गाना गाता है, और ये गाना को भी रोपा रोकते रोकते हम लोग गाते हैं, और इसको भी मैं गा रही हूँ, ये भी कुडुख में है, मैं तुरंत इसका भी अनुवाद बतला दूंगी। एंदेर गे अड्डो मला मीन दीन, एंदेर गे अड्डो मला मीन दीन, घासी मला हुरी आउंगे गे मला मेने, घासी मला हुरी आउंगे गे मला मेने, एंदेर गे घासी मला खूर दीन, एंदेर गे घासी मला खूर दीन, चेप मला पुई आउंगे गे मला हो रे, चेप मला पुई आउंगे गे मला हो रे, एंदेर गे चेप मला पुई दीन, एंदेर गे चेप मला पुई दीन, मुहा मला चीही आउंगे गे मला हो की दिगेन, मुहा मला चीही आउंगे गे मला पुईन, एंदेर गे मुहा मला चीख दीन, एंदेर गे मुहा मला चीख दीन, निर्यंगन जुही आउंगे गे मला चीहेन, निर्यंगन जुही आउंगे गे मला चीहेन। ये गाना है कि बैल तुम क्यों नहीं घास चर रहे हो, बैल बोलता है घास है ही नहीं, उग ही नहीं रहा है, नई नई कोपलें नहीं निकल रही हैं, भला मैं कैसे चरूंगा। तो ये फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, घास तुम क्यों नहीं बने उग रहे हो, या नया मतलब नहीं ये बढ़ रहे हो। तो घास बोलती है कि यहाँ पानी नहीं बरस रहा है, बारिशा नहीं हो रही है, तो भला मैं कैसे बढ़ूंगी, इसलिए नहीं बढ़ रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि बारिश तुम क्यों नहीं बरस रहे हो, तो बारिश कहती है मेंढक टटरा ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे बारिश माने मैंने कैसे बरसूंगी, मेंढक टटराएगा तभी तो बरसूंगी। तो फिर मेंढक से पूछा जाता है कि मेंढक आखिर तुम क्यों नहीं टटरा रहे हो, टटरा कर बारिश तो बुलाओ। मेंढक कहता है हम टटराएंगे भला क्यों, जैसे टटराएंगे उधर तो सांप मुझको जोह रहा है खाने के लिए, और इसीलिए मैं नहीं टटरा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने गाना है प्रकृति को जोड़ते हुए, जानवरों को, यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं उनको जोड़ते हुए ये गाना बनाया गया है। तो ये भी बहुत गाना है, तो रोपनी के समय ही इस गीत को गाया जाता है। तो इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि उराव समुदाय में किस तरह लोग मिलजुल कर
एक दूसरे के कामों को कर देते हैं। इसी तरह से और भी काम है, जैसे खपरेल छत को छाड़ने का काम होता है तो वो एक व्यक्ति से होता नहीं है। तो मैंने जब बरसात के पहले ये काम होता है, घर में पानी चुभता रहता है, खपरा मैंने खपरा जब फूट जाता है तो उसमें भी जो मालिक होता है वो गांव में मैंने आवाज़ दे देता है, अरहा देता है, सबों को बोलता है कि आज मेरे घर का मरम्मत करना है, खपरा ये करना है, मैंने छरना है, आप लोग आइएगा। सब कोई आ जाते हैं घर में, उनके लिए छरने वालों के लिए खाना चखना बनता है। और एक उरांव जनजाति में एक मैंने पेय पदार्थ है, हड़िया जिसको बोलते हैं, ये चावल से ही बनाया जाता है। तो वो मैंने उसको भी घर में तैयार रखा जाता है। सारे लोग आते हैं, छत पर चढ़ते हैं, खपरा को लोग छाड़ते हैं, उसके बाद से जब काम समाप्त हो जाता है, लोग उसी घर में खाते पीते हैं, हड़िया भी पीते हैं और चखना खाते हैं और सब बहुत आनंदित होते हैं। तो ये भी सामुदायिक काम होता है। तो ये मतलब कि सामुदायिक काम हुआ। इसके अलावे जो खेत को बनाना है, आरी को बनाना है, ये सब भी लोग मिलजुल कर देते हैं एक दूसरे का काम। और सबसे बड़ा सामुदायिक काम हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में, विवाह के समय। तो विवाह के समय तो ये बड़ा काम है, तो विवाह के समय सामुदायिक काम बहुत अधिक होता है। जिसके घर में, चाहे लड़के के घर में विवाह हो या लड़की के घर में विवाह हो, लोग दोनों तरफ ही मदद करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मदद तो ये करते हैं, जैसे मेहमान लोग आते हैं तो सब उनको लोग मिलजुल कर खाना बनाते हैं, उनको खिलाते हैं। ये तो छोटा मेहमान, बड़ा मेहमान जो प्रक्रिया होती है, मैं बाद में इसकी चर्चा करूँगी। लेकिन अभी जैसे जिस दिन विवाह होता है तो मड़वा को काट कर लाना, उसको गाड़ना, उसको सजाना, श्रृंगारना, उसके बाद मतलब कि लकड़ी की बहुत ज़रूरत होती है। तो मड़वा के पहले ही लोग जान रहे हैं कि उस घर में विवाह है, तो सारे युवक युवतियां महिलाएं मिलकर लोग जंगल जाते हैं, सूखी लकड़ियों को बटोर कर लाते हैं उस घर में। उसके बाद साथ में लोग उस दिन पत्तियां तोड़ कर लाते हैं, दोना पत्तल सिलाई करने के लिए, और दतवन भी तोड़ कर लाते हैं। और जिस दिन मड़वा होता है उस दिन सारी महिलाएं, गांव की महिलाएं मिलकर बैठती हैं, दोना सिलाई करती हैं, गाना गाते गाते दोना सिलाई करती हैं, पत्तल सिलाई करती हैं, क्योंकि बरातिया और सरातिया दोनों को खिलाना पिलाना है। तो इस तरह से दोना पत्तल सिलाई का भी काम हो जाता है, और ये भी सामुदायिक काम हो गया। उसके बाद जब मतलब कि बराती लोग आ जाते हैं तो उनको पकाकर खाना खिलाना है, उनको परोसना है, सरातियों की भी अवभगत करनी है। तो ये सारे काम गांव के जो युवक होते हैं, युवतियां होती हैं, सब मिलजुल कर मतलब भोजन पानी की सारी व्यवस्था करते हैं और बहुत ही धूमधाम से खिला पिला कर लोग विदा करते हैं। मैंने ये वधू को या बारात जाते हैं तो वहाँ से वधू लेकर आते हैं, उसके बाद लड़कों की तरफ जितना कार्यक्रम होता है सब मिलजुल कर करते हैं। तो ये सहयोग की भावना बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। चाहे किसी भी तरह का सुख हो, दुख हो, सुख में भी लोग मिलकर रहते हैं, दुख में भी लोग उसके दुख को बांटते हैं। तो ये बहुत अच्छी भावना है जो मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये अभी भी हमारे उरांव समाज में अभी भी ये परंपरा चल रही है, जो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद और मैं मतलब और जितने भी होते हैं, जैसे किसी मरण के समय भी लोग मिलजुल कर सारा काम करते हैं। तो जो भी काम किसी भी परिवार में होता है पूरे गांव के लोग साथ देते हैं, और यदि झगड़ा फसाद भी हो जाता है तो गांव में जो पढ़ा पंचायत होता है उसके बीच में ही बातें रखी जाती हैं। उसके बाद किसी भी तरह का झगड़ा झंझट मतलब निपटाया जाता है, जैसे खेतों का बंटवारा हो भाई भाई में, या किसी भी तरह की विवाद हो वो बहुत ही अच्छी तरह से निपटाया जाता है। भले मैंने आजकल लोग कोई मैंने चले जा रहे हैं कोर्ट कचहरी की दहलीज पर, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि गांव में ही सभी समस्याओं का निपटारा हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है। और दूसरा मैं देखती हूँ हमारे उरांव समाज में कि कोई भी मेहमान जब दूर से आते हैं घर में तो उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। हम लोग कोई मेहमान घर में आया तो उनको चटाई पर बैठाते हैं अच्छी तरह से, और लोटा में पानी लेके आते हैं, ठंडा पानी, एक कांसे का थाली लेके आते हैं, और उनके पैर को धोते हैं, उसमें सरसों का तेल भी लगाते हैं, फिर धोते हैं ताकि उसकी थकान मिट जाए।
ये तो अपने लोगों का हुआ, उसके बाद तो चूना तंबाकू जो होता है, तो ये अपने जो अपने रिश्तेदार आए दूर से उनकी बात हुई, लेकिन ये सिर्फ अपनों के लिए नहीं होता है, जो अजनबी भी अगर आ जाते हैं तो लोग उनको लोटा में पानी देते हैं पैर धोने के लिए, फिर उनको बैठाते हैं, पूछते हैं, और रिश्तेदारी लोग जोड़ते हैं, नाता रिश्तेदारी उम्र के अनुसार, यानी अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई है तो घर में कोई महिला होगी तो उनको बोलेगी बाबा आप कहाँ से आ रहे हो, किनसे मिलना है, यदि वो अपने से कम उम्र की होगी तो उसको बुच्चू बोलेगी यानी बहन बोलेगी, अपने से बड़े उम्र का कोई व्यक्ति होगा तो उसको दादा यानि बड़ा भाई बोलकर पुकारेगी, और इस तरह से मैंने कोई भी अनजान व्यक्ति भी आए तो उसका स्वागत अच्छा से किया जाता है, और उसके बाद आगे बात सिलसिला आगे बढ़ती है, तो ये बहुत अच्छी परंपरा है मैंने हमारे, और आत्मसात लोग इतने सरल स्वभाव के होते हैं कि बहुत जल्दी किसी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल भी जाते हैं, लोगों में मैंने छल प्रपंच की भावना नहीं रहती है। और अगर हम देखें महिला में मैंने महिलाओं का स्थान हमारे समाज में कैसा है, तो हमारे कुड़ुक समाज में उरांव समाज में महिलाओं को भी उतना ही सम्मान और आदर दिया जाता है जितना पुरुषों को मिलता है, क्योंकि जब बेटी हुई तब भी लोग खुशी मना भी खुशी मनाए, जैसे घर में बेटी जब पैदा होती है तो लोग टोकरी को दिखाते हैं यानी साग तोड़ने वाली आ गई है, ये खुशी प्रदर्शित करते हैं, और लड़के का जन्म होता है तो लोग हल को दिखाते हैं या जुआ नधा पैना को किसी चीज़ को दिखाते हैं कि कृषि करने वाला घर में आ गया है, तो खुशी दोनों में जाहिर की जाती है, और चूंकि वो वारिस तो खैर मैंने लड़कों को ही मैंने दिया जाता है बनाया जाता है, लेकिन लड़कियां मैंने वधू बनकर जाती हैं ससुराल में तो अपने पति की जिस संपत्ति की अधिकारी नहीं बनती हैं, इसलिए लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है, और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। महिलाएं भी बहुत मिलजुल कर सभी तरह के कामों को करती हैं, पंच पढ़ा होता है उसमें भी महिलाएं साथ देती हैं, पूजा पाठ होता है उसमें भी महिलाएं सामने रहती हैं, विवाह का कार्यक्रम होता है तो हर जगह महिलाएं सामने आती हैं और सभी कार्यक्रमों में बराबर कई सहभागिता दिखाती हैं, तो इसलिए महिला हो या पुरुष हो महिला भी निर्णय लेती हैं, परिवार में महिलाएँ भी किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेती हैं और उनके निर्णयों को माना भी जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे उरांव समाज में मतलब कि महिला और पुरुष में समानता की भावना देखी जाती है। और आगे अगर मैं बोलूं तो हमारे उरांव समाज के लोग मतलब जल जंगल जमीन के साथ जुड़े होते हैं और उसकी रक्षा के लिए ही कटिबद्ध रहते हैं, और इसीलिए जंगल के साथ जुड़ते हैं, वहाँ के फल फूल कंद मूल उसका उपयोग भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं, वो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, और जंगल में बहुत तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाइयाँ मिलती हैं, और इसकी भी जानकारी हमारे मैंने माँ बाप दादा दादी नाना नानी लोगों को रहती है, और लोग वैद्य हर गांव में कोई ना कोई अच्छे वैद्य होते हैं, बड़ी बीमारी भी हो जाती है जैसे बड़ी बीमारी में हम मानते हैं जैसे जॉइंडिस हो गया, टाइफाइड हो गया, हड्डी टूट जाती है, बहुत बुखार होता है, बड़े घाव होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो बीमारियां हैं लिकोरिया वगैरह भी बीमारियां हैं, तो वो जड़ी बूटी से ही उसको दूर किया जाता है, तो जड़ी बूटी की जानकारी प्रायः ग्रामीण लोगों को होता है और ये अच्छे वैद्य भी होते हैं। हड्डी तोड़ की दवा मैंने मान लिया हम डॉक्टर के पास जाते हैं 1.5 महीने तक प्लास्टर रहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हड्डी टूट जाने से 15 दिन में बिल्कुल हड्डी जुड़ जाती है और अच्छा हो जाता है। मेरी खुद की माँ हड्डी तोड़ की दवा बनाती थी, इसलिए मैं भी जानती हूँ कि हड्डी तोड़ की दवा क्या है, कौन सी जड़ी बूटी से बनती है। इसी तरह से बहुत मेरी माँ मेरे नाना जी बहुत अच्छे वैद्य थे, तो मेरी नानी मैंने नाना जी वैद्य थे इसलिए मेरी माँ भी अच्छी वैद्य थी, तो माँ की वजह से हमको भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया है, और मैं चाह रही हूँ कि उनको मैं संग्रह करूँ और कुछ लिपिबद्ध करूँ, तो इसीलिए आयुर्वेद पर बहुत लोगों का विश्वास है। ठीक है आजकल लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन एक बार चूंकि गरीबी है इसीलिए लोग पहले कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद जड़ी बूटी के द्वारा उनकी बीमारी से छुटकारा मिल जाए। अब मैं आना चाहूँगी कि हमारे उरांव समाज में क्या क्या मतलब त्यौहार होते हैं, त्यौहार तो बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास का होता है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है त्यौहार का।
ये मौसम के अनुसार ही त्यौहार आते हैं। प्रायः सभी त्यौहार, हर मौसम में कुछ ना कुछ त्यौहार होता है, इसलिए इनका जीवन आनंदमय होता है। और हम अपने समाज में बोलते हैं, नृत्य और गीत दोनों एक साथ चलता है, अखाड़ा होता है, जो गांव के बीच में एक अखाड़ा स्थल होता है, उसमें लोग नाचते हैं नगाड़ा, और मांदर की ताल पर ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम उठाकर लोग नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं। और हर त्यौहार में प्रायः इस तरह होता है, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान युवक युवतियाँ सबको हाथ में हाथ जोड़े, कमर में हाथ डाले लोग नाचते हैं, नृत्य करते हैं, झूमर करते हैं। तो ये भी मने सहयोग, मने एक दूसरे से किस तरह मिलते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ये एक दर्शाता है। तो त्यौहार की बात यदि हम करें, तो यदि हम जनवरी से चलें, जिसको हम लोग माघ भी बोलते हैं, तो जनवरी में माघे जत्रा होता है। तो माघे जत्रा इसीलिए बोल रहे हैं कि माघे जत्रा होता है, तो इसमें लोग खूब आनंद मनाते हैं, पुआ पकवान खाते हैं। और ये शादी ब्याह का भी मौसम है माघे, ये माघ का महीना, क्योंकि कटनी हो जाती है, धन मने मने आ जाता है घर में, तो लोग बहुत हंसी खुशी से ब्याह भी संपन्न करते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये माघ का जो महीना है, ये बहुत अच्छा होता है। तो माघ के महीने में माघ जत्रा होता है, इसमें प्रायः जो धांगर हम लोग रखते हैं उनको छुट्टी देते हैं, तो वे लोग खूब नाचते गाते हैं, और वो छुट्टी का महीना होता है विशेषकर उनके लिए। ये माघ महीना में, माघ जत्रा में उनका त्यौहार होता है। माघ जत्रा के बाद हम आते हैं ये फगुआ का त्यौहार, ये जिसको फगुआ सेंद्रा का त्यौहार हम लोग बोलते हैं। तो है कि जो होली होता है दूसरे लोगों के लिए, वो हमारे उरांव समाज में, आदिवासी उरांव समाज में होली का त्यौहार ये नहीं है, क्योंकि हम लोग रंग नहीं खेलते हैं इसमें। इसमें हम लोग सेंद्रा यानी शिकार खेलने के लिए जंगलों में जाते हैं। तो ये जो फगुआ कटता है, इसमें एक मैंने कहानी है, तो आप लोग मैंने उसमें मैंने सेम्बल और एरंडी की डालियों को फगुआ टांड में, जो गांव के बाहर होता है, वहां गाड़ दिया जाता है, जिसको हमारा जो नायगा होता है वो उसको एक ही बार में काटता है, इसको फगु काटना इसीलिए बोला जाता है। और वहां एक कुंबा भी बनाया जाता है खेर से, और जिसमें एक मुर्गी को डाल दिया जाता है, और लोग उसको जब आग लगा दिया जाता है फगुआ कटने के बाद, तो जितने गांव के युवक युवती हैं, बच्चे सब वहाँ मने आनंद मनाने जाते हैं, फगुआ कट रहा है बोलकर। तो लोग मने उसमें धूल और पत्थर कंकड़ डालकर उस आग को बुझाते हैं, जो मुर्गी का चूजा डाला हुआ रहता है वो इधर उधर दौड़ते रहता है, लोग उसको दौड़ने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उसको पालने से वो बोला जाता है कि बहुत मने बच्चे और अंडे देती है, इसे लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, फिर पकड़ के ले जाते हैं। तो वो फगुआ कट जाता है, उसके बाद सुबह को दूसरे दिन सारे लोग मने मिलकर जंगलों में चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए, पूरा तीर धनुष गुलेल और लाठी वगैरह लेकर के चले जाते हैं। घर के कुत्ते भी चले जाते हैं साथ में, वे भी साथ देते हैं वो जंगली जानवर पकड़ने के लिए। तो वहाँ से इनको जंगली सुअर मिलता है, वन मुर्गी मिलता है, चाहे वगैरह जंगल के जो जानवर मिलते हैं, पक्षियाँ मिलती हैं। उस दिन एक दिन मैंने ये फगुआ में जाते हैं लोग सेंदरा यानी शिकार खेलने, और उसके बाद उसको मार कर लाते हैं, और मैंने गांव में उत्सव मनाते हैं, खाते पीते हैं मिलजुल कर। तो ये फगुआ के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। कथा मैंने मैं बहुत संक्षेप में ही बता दूंगी कि रूपू गिधनी और सोनो गिधनी माने गिद्ध गिधनी माने रहते थे एक विशाल सेमल के पेड़ में, और ये खेत से माने काम करने वाली महिलाएं बच्चों को आरी में सुलाती थी, उनको उठा कर ले जाते थे, हल जुवाट को उठा कर ले जाते थे, सब कोई बहुत परेशान थे। तो ऐसी परिस्थिति में एक माने जो बहुत वो लोग ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे अपने धर्म से, तो एक छोटा नन्हा सा लड़का आता है, और वही मैंने तीर धनुष से उस सोनो गिधनी रूपो गिधनी को मार देते हैं। तो उसी की यादगारी में ये मैंने शिकार भी खेला जाता है और ये फगुआ भी कटता है। तो ये कथा उसके पीछे है। तो फगुआ त्योहार के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार आता है, सरहुल, जिसको हम लोग खद्दी बोलते हैं। तो सरहुल का त्योहार आता है। तो सरहुल का त्योहार हमें मतलब उसमें मैंने पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, सखुआ पेड़ों में इतनी सफेद फूल लग जाते हैं, और पूरा जंगल मैंने
बहुत तरह तरह के फूलों से एकदम खुशबू युक्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, उसमें हम लोग का महुआ भी धीरे धीरे माने होने लगता है। तो ये जो सरहुल का त्यौहार आता है तो इसमें हम लोग मानते हैं कि जो सूरज और धरती की का विवाह हो रहा है, तो ये त्यौहार हुआ। तो इस दिन मतलब कि नया घड़ा में पानी लिया जाता है, सीमाना के जितने चुआ और कुएँ होते हैं वहाँ से पानी लिया जाता है। उसके बाद सूप में पूजा की सामग्री ली जाती है और नायगा के साथ गांव वाले सभी मिलकर सरना स्थल पर जाते हैं। सरना स्थल उराव लोगों का पूजा स्थल होता है, जहाँ साल वृक्ष रहता है, झुरमुट पेड़ों का झुरमुट रहता है, वहीं जाते हैं। उसके बाद वो नायगा वहाँ पूजा करते हैं, साल वृक्ष को धागा से बांधते हैं, सिंदूर टीका लगाते हैं और घड़ा का पानी को वहाँ उजलते हैं और गांव वालों को भी वितरित किया जाता है। और गांव मैंने घर घर में जो साल का सुंदर फूल होता है वो खोसा जाता है। तो इस तरह से आते हैं। उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से जो नायगा और नायगनी होती है उनको नए चटाई में बैठा के उनका विवाह भी संपन्न कराया जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है सरहुल का त्यौहार, ये बहुत अच्छा त्यौहार है। सरहुल के बाद हम लोग देखेंगे जेठ का महीना आ जाता है तो जेठ जतरा लगता है। गांव के किनारे कोई बगीचा होता है वहाँ मेला जैसा लगता है, गांव-गांव के लोग आकर के, हर पंचायत के लोग आकर के वहाँ समूह में नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, खूब धूमधाम से धूम धड़ाका होता है और वहाँ मिठाइयाँ भी बिकती हैं। मांदर और नगाड़ा की थाप से लोग मैंने नाचते गाते हैं। और उसी दिन एक बूढ़ी करम भी होता है, यानी वृद्ध मैंने महिलाओं का करम त्यौहार है, वो करम गाड़ती हैं और ये उसकी आराधना उपासना करती हैं। इसलिए जेठ जतरा जो होता है, जेठ जतरा वो बूढ़ी करम का भी त्यौहार होता है उसी दिन। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जेठ के बाद हम लोग का आषाढ़ सावन भादो आने लगता है। आषाढ़ सावन तो हम लोग रोपा रोपनी में बिता देते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर त्यौहार आता है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, वो है करम का त्यौहार। तो करम का त्यौहार लोग करम डाली को उसमें मैंने काट कर लाते हैं, बहुत धूमधाम से नायगा के छत पर रखते हैं, फिर उसको अखड़ा में बहुत धूमधाम से गाड़ा जाता है। और हमारी जो बहनें होती हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं, वे लोग उपवास रखती हैं और डलिया में खीरा चूड़ा और जवा पूंप, जवा पूंप हम लोग जवा फूल या पूंप बोलते हैं, तो वो उठाते हैं गेहूं के दानों से और मकई के दानों को घड़ा में बालू डाल के उसको ये बो देते हैं और पानी पटाते रहते हैं, लेकिन उसका मुंह हम लोग बंद कर देते हैं तो जो निकलता है, ज्वार निकलता है वो पीला होता है और वो करम के दिन उसका उपयोग किया जाता है और सबके बीच में उसी को बांटा जाता है। करम उपवास जब सुबह को रात भर तो नाचना गाना होता है और सुबह को नायगा जो होता है वो करम की कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने के बाद जो करम की आराधना करते हुए लोग फूलों को बांटते हैं, जवा फूल को बांटते हैं। तो ये करम का जो त्यौहार होता है उसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है, मैं गाना भी गा कर सुनाऊंगी आप लोगों को। तो वो जो कहानी है वो उसको मैं बहुत शॉर्ट कट में मैंने छोटे रूप में बतलाऊंगी। उसमें हम लोग मानते हैं कि सात भाई थे, ये सभी व्यापार के लिए गांव से बाहर जाते हैं और व्यापार करके साल भर के बाद ये लोग लौट कर आते हैं सातों भाई। और गांव के बाहर सातों भाई रुक जाते हैं और बड़ा भाई सबसे छोटा भाई को भेजता है घर में कि जाके देखो कि घर में लोग हमारी मैंने आगमन की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। छोटा भाई जाता है, देखता है कि भाभी लोग, चूँकि वो भादो एकादशी को ये करम का त्यौहार होता है, ये लोग सब करम की डालियों को गाड़े हैं आंगन में और सब मैंने नाच गा रहे हैं। भाई छोटा भाई गया देखने के लिए, वो भी वो नाचने गाने में भूल जाता है कि हमको बड़ा भाई को जाकर बतलाना है। बड़ा भाई फिर उसी तरह मैंने सातवां मैंने फिर छठवां पांचवां चौथा दूसरा भाई को भेजता है। सभी लोग करम की पूजा करने में लग जाते हैं, आराधना करने में, नाच गान करने में लग जाते हैं। बड़ा भाई परेशान हो जाता है कि मुझको अकेले लोग छोड़कर सब गायब हो गए, भाई मैं यहाँ अकेले हूँ। तो वो बहुत खींचते हुए सारे माल असबाब को लेकर घर पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि सब कोई करम डाली की पूजा करने में लगे हुए हैं, कोई किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है उसकी ओर। उसको काफ़ी मैंने गुस्सा लगता है और वो जाके करम की डालियों को उखाड़ करके और नदी में बहा देता है। ये तो घटना घट गई, उसके बाद सबका जीवन चलता है, लेकिन सबके जीवन खुशहाली से भरी रहती है सिर्फ
बड़े भाई को छोड़कर। बड़ा भाई कितना भी अच्छा खेती करे, अन्न धन नहीं आता है, वो परेशान हो गया। अंत में उसको किसी ने बताया कि भाई आपने तो कर्म की उपासना नहीं की, कर्म डाली कि आपने इज्जती की, उसको अपमानित किया, आपने फेंक दिया। अब उसको फिर ढूंढ कर लाइए और उसकी उपासना कीजिए, तब आपका ये जो दुर्भाग्य है वो फिर भाग्य में परिवर्तित होगा। अब वो जाता है ढूंढते ढूंढते और रास्ता में उसको प्यास लगती है तो पानी पीता है, तो वो जैसे अंजूरी में लेता है पीने के लिए, वो लाल रक्त हो जाता है, खून में बढ़ जाता है, बदल जाता है, बेचारा नहीं पी पाता है। फिर आगे जाता है उसको भूख लगती है, वो डूंबर मैंने पका हुआ डूंबर मिलता है, उसको वो फाड़ के देखता है खाने के पहले। जनरली हम लोग सब फाड़ के देखते हैं कि कीड़ा उड़ा है कि नहीं, देखता है पूरा कीड़ा भरा हुआ है, तो वो नहीं खाता है, भूखे भूख जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, तो वहाँ डाली को देखता है कि वो खड़ा है एकदम हरा भरा, तो वो उसको बहुत आरा ये अनुनय विनय करता है, समुद्र में घुसता है तैरते हुए कि मैंने जो भी आपके साथ व्यवहार किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप आइए मैं आपकी उपासना करूँगा। करम डाली आ जाती है लेकर, वो घर आता है और वही रास्ते में डूंगर देखता है तो उसमें बहुत अच्छा है, वो कीड़ा नहीं है, खा लेता है, अपनी भूख मिटाता है। वही पानी, नदी का पानी उसको एकदम खूब स्वच्छ पानी मिलता है, तो पीते हुए वो घर पहुंचता है, गाड़ता है, उसके बाद फिर उसको भी अन्न धन से वो परिपूर्ण होता है, सब उपासना करते हैं। तो इसीलिए कर्म में बहुत अच्छा गीत है, मैं आप लोगों को जरूर सुनाती हूँ, सुनाना चाहूँगी, साथ भाई वाली वाला गाना तो है ही, तो आप लोगों को सुनने से अच्छा लगेगा। सातो भैया रे सातो कर्म गाड़े, सातो भैया रे सातो कर्म गाड़े, सातो गोतनी सेवा का आ रहे हो, सातो गोतनी सेवा का। डलिया में दिया डलिया में फूला, दिया ले ले सेवा का आ रहे हो, फूला ले ले सेवा का। सातो भैया रे सातो कर्म गाड़े, सातो गोतनी सेवा का रहे हो, सातो गोतनी सेवा कार। ये समझ में तो आ ही गया कि सातों भाई हैं, सातों गोतनी है, वो कर्म की सेवा कर रही हैं, डलिया में दिया लेकर, डलिया में फूल लेकर ये उनकी सेवा कर रही हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर गाना है, लोग इसको बहुत खुशी खुशी गाते हैं। और इसी के साथ मैं एक और भी गाना गाऊंगी, चूँकि बहनें जो हैं वो कर्म उपवास करती हैं, तो जब उपवास करती हैं तो डलिया में खीरा लेती हैं, चूड़ा लेती हैं, और वो जावा जो मैं बोली कि पीला पीला जो उठाया जाता है ये गगरी में घड़ा में, तो उसको भी लेकर जाती हैं, रखती हैं। और उपासना कहानी सुनने के बाद नायगा जो अखड़ा में कहानी सुनाते हैं उसके बाद ये लोग मतलब कि वो जावा पुंख होता है उसको बांटते हैं सबके लिए। तो उसी में एक गाना है, बहुत सुंदर गाना है, कुड़ुक में है, फिर मैं बतला दूंगी इसको। साल भैरी नू जावा पुंख बर चायो दादा झोक ओए कामा लारी, योंदा दादा झोक ओए कामाला। साल भैरी नू जावा पुंख बर चा ओंदा दादा झोक ओए कामा लारी, ओंदा दादा झोक ओए कामाला। झोक आहू झोक ओन माला हूँ झोक ओन बरो बाछर सेवाना, आनोन रे तेरो बाछर सेवा नानोन। झोक आहू झोक ओन माला हूँ झोक ओन बरो बाछर सेवाना, आनोन रे तेरो बाछर सेवा नानोन। माया लगो झोक ओन मल माया लगो मल झोक ओन बरो बाछर सेवाना, आनोन रे तेरो बाछर सेवा नानोन। अर्थ हुआ कि पूरे साल भर में कर्म का त्यौहार आया है, बड़ा भाई दादा
लीजिए ना मेरा ये जावा का पूप, आप इसको प्यार से ग्रहण कीजिए। भाई बोलता है कि हमको दुलार लगेगा तो हम लेंगे, दुलार नहीं लगेगा तब भी मतलब कि नहीं भी लेंगे या लेंगे, लेकिन तुम तो मेरी छोटी बहन हो तो 12 वर्षों तक मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मतलब विवाह के पहले तक तुम्हारी सेवा करूँगा या 13 साल तक सेवा करूँगा या जितना साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुमको तो हमको सेवा करना ही है, इसीलिए तुम चिंता क्यों कर रही हो। ये मतलब गाना बहुत सुंदर है, भाई बहन का ये गाना है, और इसमें युवक युवतियाँ हैं वे भी करती हैं, तो युवक युवतियों का भी एक गाना है, वो भी मैं सुनाना चाहूँगी, सुंदर गाना है ये भी। हरे करम बरे चा, हरे करम बर चा, पिल जो खनरी झा बा, चा दो पिल जो खनरी झा बा चा। हरे करम केरा, हरे करम केरा, पिल जो खन टूवर ना अंजारे, पिल जो खन टूवर ना अंजा। हरे करम बरे चा, हरे करम बर चा, पिल जो खनरी झा बा, आचारे पिल जो खनरी झा बा चा। हरे करम केरा, हरे करम केरा, पिलन जो खन टूवर ना अंजारे, पिलन जो खन टूवर ना। मतलब कि करम आया तो लड़के लड़कियों को, युवक युवतियों को बहुत हर्षोल्लास मैंने मिला, बहुत आनंदित हुए, लेकिन वही करम जब चला जाता है तो उनको लगता है जैसे वे लोग अनाथ हो गए, टूअर हो गए। यही गाना लड़के लड़कियां गाती हैं, और इसमें एक लड़की का भी बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि करम में जिस लड़की का रिश्ता कहीं तय हो जाता है तो ससुराल से करम का डलिया आता है, उसमें साड़ी आता है, उसका चूड़ी आता है, सारा मतलब चीज आता है, तो उसको भी वो देखती है और उसको साड़ी को देखती है और क्या अपना अपनी भावना को उजागर करती है, उसको कैसा लगता है। ये मैं एक गाना दो लाइन का है, हमारे गाने प्रायः दो ही लाइन के होते हैं, तो उसको उसी को दोहराते दोहराते मैंने गाया जाता है, तो वो गाना भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। हो हैली रे दीनता करम की चिरी माँ केरा जला लिखारा, आई बुझो माँ केरा जला लिखाराई। आई दीनता करम की चिरी माँ केरा जला लिखारा, आई बुझो माँ केरा जला लिखाराई। पुत बीरी उंदे रर पैरी बीरी ची चार मला कूरोन ददा मला बके ची, केरे मला कूरोन ददा मला बके ची के। लड़की कह रही है कि इस वर्ष का अभी जो इस मेरे लिए जो करम का कपड़ा आया है डलिया में, वो शाम को लाया गया, सुबह को हमको दे रहे हैं, पहनने के पहले मैं देख रही हूँ तो वो तो ये मकड़ी के जाल के समान एकदम जाली जाली झेझरा है, तो मुझको पसंद नहीं है। बड़े भाई दादा मैं इसको नहीं पहनूंगी, आप बोल दीजिए कि मुझे पसंद नहीं है, उसको मला लड़के को ही मला कह दीजिए, अब मुझके लिए मेरे लिए अब दूसरा रिश्ता आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि साड़ी मुझको पसंद नहीं है तो वो ससुराल भी पसंद नहीं है। तो ये उसकी भावनाएं हैं, ये करम के समय ही ये मैंने गीत गाया जाता है, सुंदर गीत। तो ये करम का त्यौहार बीतने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि करम के बाद और क्या त्यौहार आता है, तो करम बीत जाता है, उसके बाद कुछ कुछ मतलब कि गोड़ा धान, उरद गोड़ा धान, गोंदली धान, ये सब पक जाता है, तो पहला फसल जब घर में लाया जाता है तो उसके लिए एक माने ईश्वर को धन्यवाद, धर्मेश को धन्यवाद देने के लिए एक अच्छा त्यौहार होता है, वो है तुसगो का त्यौहार। तो उसमें ये माने लोग खाते पीते हैं, पहला अनाज हम लोग ग्रहण करते हैं, इसको तुसगो बोलते हैं। तुसगो के बाद एक बहुत अच्छा त्यौहार हम लोगों का आता है, वो है सोहराई। सोहराई ये दिवाली कार्तिक महीना में होता है,
बहुत अच्छा त्यौहार है। इसमें हमारे जो मवेशी हैं उनकी सेवा की जाती है, उनके सींग में तेल लगाया जाता है, खुर में तेल लगाया जाता है, और उनको जो उरद होता है, बोती होता है, उसको मैंने भाप करके उनको खिलाया जाता है, कोहड़ा मैंने पका कर खिलाया जाता है, और गाय बैल भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनका त्यौहार है बोल के वे भी उछल कूद करते हैं। फिर जितने चरवाहे हैं, लोग हैं, सब मैंने ये खेत की ओर चले जाते हैं, बालियां खेत में होती हैं, लहलहाती हैं, और उन्हीं खेत के बीच में लोग वनभोज बनाते हैं, खाना बनाते हैं और एक साथ खाते पीते हैं। तो ये बहुत सुंदर सोहराई का त्यौहार होता है। और इसके बाद एक त्यौहार आता है आघन का त्यौहार। तो आघन का त्यौहार भी अच्छा, मैंने ये भी अच्छा त्यौहार है। इसमें प्रायः मैं जहाँ तक मैं अपने घर परिवार में देखती हूँ, गांव घर में, कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, अगर किसी कारणवश बीच में ये लोग श्राद्ध कार्य नहीं किए रहते हैं, तो उनका श्राद्ध कार्य करते हैं, और उनका छाई भितराना यानी छाया को घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो आघन यात्रा में ही किया जाता है। तो इतने त्यौहार बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद तो लोग मतलब कि धान कटनी का समय आ जाता है, धान पक जाते हैं, इसलिए उसमें लोग मशगूल हो जाते हैं। फिर वो माघ का त्यौहार, वो काटने उठने के बाद तो माघ का यात्रा मनाते हैं। तो ये इस तरह मौसम के अनुसार त्यौहार आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, और सब कोई मिलजुल कर लोग अखाड़ा में नाचते हैं, मांदर बजता है, नगाड़ा बजता है, कमर में हाथ डाले सभी कोई नाचते हैं। तो नाच बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बहुत बड़ा आयोजन हमारे मेरे उरांव समाज में होता है, जिसको मैं चर्चा जरूर करूँगी, ये होता है मतलब विवाह। विवाह का कार्यक्रम होता है। इसके लिए हमारे समाज में लड़का के लिए लड़की ढूंढने के लिए जाया जाता है, लड़की तरफ से लड़का नहीं ढूंढा जाता है, इसलिए लड़की पक्ष वाले बिल्कुल इत्मीनान रहते हैं कि कहीं से रिश्ता आएगा लड़की के लिए, बेटी के लिए, उसके बाद शादी होगा। तो इसके लिए अगुआ की का प्रमुख भूमिका होता है। अगुआ मतलब लड़की पक्ष में लड़कियों किसी लड़की को पसंद करता है, जोड़ी जोड़ करके उसके बाद लड़के की ओर वो बात पहुंचाता है। फिर लोग मुहूर्त देख करके लड़की देखने आते हैं, उनको मैंने पसंद आ जाता है, तो एक लाठी खोस देते हैं, लाठी खोसना बोलते हैं, डंडा खोसना बोलते हैं। उसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़कों का मैंने पंचों को लेकर के लड़का का घर देखने जाते हैं, जिसको जुब्बी देखना बोलते हैं, यानी उसका घर आंगन देखते हैं। और पसंद हो जाने के बाद तब बात आगे बढ़ती है, छोटा मेहमान, बड़ा मेहमान, ये सब काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, एकदम चट लगन पट विवाह की परिपाटी नहीं है, देख सुनकर बहुत ही ठोक ठक ठा कर मैंने विवाह किया जाता है, ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो। और एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने तिलक दहेज की बात है नहीं, हमारे समाज में माँ बाप कुछ बहुत अपनी बेटी के लिए उन्हीं चीज़ों को देते हैं जो उनके वश में होता है उनका, तो इसके लिए कोई मांग नहीं होती है। और सम गोत्र विवाह नहीं होता है, गोत्र परंपरा हमारे समाज में है, और इसीलिए जैसे कुजूर परिवार की लड़की कुजूर परिवार में नहीं जा ब्याही जाती है। तो हमारे ये में समाज में गोत्र की परंपरा है, माने जिसको हम लोग टोटम बोलते हैं। तो जैसे कुजूर है, ये एक लता होता है, माने औषधि लता, जिसके बीज से तेल निकाला जाता है, जो दर्द वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से मुंजनी भी कुजूर को ही कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मिंज होता है, जिसका अर्थ मछली होता है, तिग्गा गोत्र है, जिसका अर्थ बंदर होता है, बखला एक टाइप गोत्र है, जिसका अर्थ पेड़ का छाल होता है, टोप्पो ये एक तरह की पक्षी है, ठिठियो ये भी पक्षी है, टिटहरी पक्षी जो बोलते हैं हम लोग, तिरकी ये भी पक्षी है, उसके बाद लकड़ा ये बाघ होता है, धान और खेस ये इसका मतलब धान जो है, खाखा है ये कौवा को खाखा बोलते हैं, किंडो ये एक तरह की मछली है, बेक यानी नमक को बोलते हैं हम लोग, पन्ना यानी लोहा को बोलते हैं। तो इतना मैंने एक खलखो भी एक टाइटल है, खलखो एक तरह की मछली है, उष्मा गोत्र है, ये भी मछली है। तो इस तरह बहुत टोटम है, गोत्र हैं, जिसको नाम के बाद हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इनमें सम गोत्र में विवाह नहीं होती है, माने गोत्र अलग होना चाहिए, ये होता है। और तिलक दहेज की बात तो मैंने नहीं कहा, सिर्फ एक है जिसको हम लोग डाली ढीबा बोलते हैं, उसमें मतलब वधु मूल्य जिसको बोलेंगे हिंदी में, तो उसमें है कि वर पक्ष के लोग वधु मूल्य के रूप में कुछ पैसे देते हैं। ये पैसे नॉमिनल होते हैं, मैं जहाँ तक जानती हूँ पहले तो 12 आना होता था,
और अब वो धीरे धीरे बढ़कर अभी 12 रुपये हैं, तो ये कुछ है नहीं, ये एक माने परंपरा है, रीति रिवाज, इसको निभाया जाता है। और शेष तो जितनी माने लड़की का पहरावा है, श्रृंगार है, सब माने लड़के वर पक्ष के लोग ही देते हैं, और उसी को पहन करके विवाह भी होता है, मड़वा के नीचे विवाह होता है, नायगा के द्वारा विवाह होता है। तो ये बहुत सुंदर परंपरा है। अभी अगर मैं एक बात बोलूँ कि हमारे ये उरांव समाज में कुछ लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब जो जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी जितने त्यौहार हैं, सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अपने रीति रिवाज, परंपरा और भाषा को संजो कर रखने का प्रयास करते हैं ये लोग। ठीक है, वो धर्म अलग बात है, लोग चर्च जाते हैं वो अलग है, लेकिन बाकी विवाह के केवल चर्च में होता है, बाकी जितनी भी परंपराएं हैं, त्यौहार माने मेहमान नवाजी है और विवाह से संबंधित जो भी रीति रिवाज है, सभी ये लोग मानते हैं, अपनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हमारे माने लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा मतलब विवाह हो, अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा माने वधू के लिए अच्छा वर मिले, कहीं किसी तरह की कोई गलती ना हो। इसलिए अगुआ को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अच्छी लड़की के लिए अच्छा लड़का मिले, और इसको कभी कभी ऐसा कुछ, कभी कभी बेमेल विवाह भी हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं अच्छा माने कुछ गीत है, लड़की अपनी भावना को व्यक्त करती है और जब हंसी खुशी हर चीज़ आनंदित पूर्वक आनंद पूर्वक जब हो जाता है, तो उसमें के लिए भी लोग गाना गाते हैं, बहुत सुंदर गाना है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। आयो जो बीरी बाबा सु जो बीरी बेचो तो पाड़ोत गे नायो रे, बेचो तो पाड़ोत गे नायो, आयो मुंजरो कालो बाबा समुंजरो कालो सबारो बी पैत गे ना आयो रे, तेरो खिली पैत गे नायो। मतलब माँ बाप के जीवन काल तक सब हम लोग नाचेंगे गाएंगे, नाचेंगे डेगेंगे गाएंगे और सभी तरह का खुशी मनाएंगे, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद तरह तरह की विपत्तियाँ आएंगी, संकट आएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा, पति पत्नी, और वे लोग इसके लिए तैयार भी होते हैं कि हर तरह के संकट में हम लोग एक साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यदि बेमेल विवाह हो गया, कभी कभी हो जाता है इस तरह से, माने लड़की की उम्र से लड़के की उम्र अगर ज़्यादा हो जाती है तो बेचारी को काफ़ी कष्ट भी होता है, तो वो माने जंगल में जाती है, रोती भी है, तो लकड़ी ढूंढते ढूंढते लकड़ी चुनते चुनते देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें थोड़ा सा पानी है और उसी के किनारे गंभार का एक खूबसूरत पेड़ है, फूलों से पीले पीले फूलों से लदा हुआ, तो उसको वो देखती है और एक गाना वो ज़रूर गाती है, उसको भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हो हैल रे किया ए रे नया कह झरिया मैया ए रेन गाँव भर पू पान रे मैया ए रेन गाँव भर पान किया ए रे नया कह झरिया मैया ए रेन गाँव भर पू पान रे मैया ए रेन गाँव भर पू पान गाँव भर पू पन ये रेन जुड़ी सिन ये रेन उला दिना काटो कामा आला बहन उला दिना काटो कामाला। इस गीत का मतलब हुआ कि मतलब कि मेरा जो जोड़ी है, मेरा जो दूल्हा है, उसको मैं देखती हूँ तो ये गड्ढे के समान वो नजर आ रहा है, बूढ़ा हो चला है, उसके बाल पक गए हैं, दाढ़ी मूछ पक गया है, और यहाँ मैंने इतना सुंदर मैंने गंभार का पेड़ है उसका फूल को देखती हूँ और एक और मेरे पति को देखती हूँ, तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है इसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरेगी कि नहीं, क्योंकि ये जो गंभार का पेड़ इतना सुडौल है, उसके फूलें इतनी सुंदर हैं, तो मेरा पति भी इसी तरह होता तो कितना अच्छा लगता। तो वो अपनी वेदना को अकेले अकेले माने वो जंगल में गा कर वो माने व्यक्त करती है, तो इसीलिए अगुआ जो होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि विवाह अच्छी तरह से संपन्न होना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो।
तो ये मैंने कुछ बतलाया मैंने विवाह के बारे में, और इसी तरह से मैंने नामकरण संस्कार भी होता है, छठियारी होता है, और बहुत मतलब कि इस तरह मैंने जीवन चक्र तो चलता रहता है, सभी काम होते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो भाषा है उसके संवर्धन के लिए सबों को भाषा, अपनी भाषा को कभी नहीं मैंने छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाषा हमारी पहचान होती है। ऐसे भी विद्वानों ने कहा है, किसी भी जाति को समाप्त करना है तो आप उसकी भाषा पहले समाप्त करो। इसीलिए हम लोगों को अपनी पहचान रखने के लिए भाषा को बचाना बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी भाषा बचे। आजकल मुझको गांव में देखने से बहुत दुख लगता है कि लोग हिंदी और कुड़ुक दोनों को मिक्स करके बहुत गड़बड़ भाषा लोग बोलने लगे हैं। पता नहीं उनको हिंदी, हिंदी तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो सीखेंगे ही, माँ बाप भी हिंदी जानते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हिंदी बात मैंने करने के लिए उनको अच्छा लगता है, जबकि कुड़ुक सिखाना चाहिए बच्चों को, कुड़ुक भाषा में बात करनी चाहिए। तो लोग ये मिश्रित भाषा में मिला जुला के बात करने लगते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊंगी, ये गुड्डू मंडी ओना के चाड़े आओ, ये गुड्डू मंडी ओना के चाड़े आओ, ये गुड्डू मंडी ओना के खाने के लिए, मंडी खाने के लिए चाड़े आओ, मिला जुला के भाषा, आधा कुड़ुक बोल दिया आधा हिंदी बोल दिया, तो ना बच्चा समझा माँ को समझा, माँ भी नहीं समझी बच्चा भी, मैंने उसको भी गड़बड़, तो वो ना शुद्ध हिंदी बोल पाया ना शुद्ध कुड़ुक बोल पाया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सबको अपने समाज की भाषा को बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। आज हम भाषा बोलेंगे तो हमारी पहचान बनी रहेगी। और इसीलिए मैंने लेखन कार्य शुरू किया, जो भी मैं देखती हूँ अपने समाज के इर्द गिर्द उसको मैं कहानियों में पिरोती हूँ। कहानी मैंने बहुत लिखा है, जैसे पिंजरा था उड़ियारा पिंजरा था मैंने, मेरी कहानी संग्रह है, उसी तरह मूसल है वो भी मेरी ही कहानी संग्रह है मूसल, तो कहानी संग्रह। और ऐसे रेडियो स्टेशन में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बीच बीच में अखबारों में मेरी कहानियाँ छपते रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी भाषा बरकरार रहे। जैसे ज़्यादातर मैं कुड़ुक भाषा में ही रेडियो स्टेशन में अपनी कहानी का प्रसारण करती हूँ, और चूंकि कहानी तो हिंदी में लोग समझेंगे इसलिए हिंदी कहानी अखबारों में छपती है। तो मैं यही चाहूंगी कि लोगों को लिखना भी चाहिए, तो मैं कहानी लिखती हूँ, कविताएं भी मैं लिखती हूँ जो हमारे समाज में प्रचलित है, जो मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, उनको मैं अपनी कविताओं में पिरोना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने उनको मैंने कविता संग्रह दो मेरी निकली हुई है, एक है कुड़ुक की अनुगूंज है ये, और एक है वर्षा उन्तरम, तो ये दो मेरी, और एक है झारखंड वंदना, जो तीन है मेरी कविता संग्रह की पुस्तक, जिसमें मैंने कविताओं को पिरोया है। और इन कविताओं में हमारे मैंने समाज को ही मैं दर्शाना चाहती हूँ, और अगर मैं आप लोगों को सुनाऊंगी तो कविताओं में भी आप लोग मैंने मेरे समाज की बातों को आप लोग समझिएगा। तो मैं अपने पुस्तक की ही कविताओं को, जिसको मैंने लिखा है, उन्हीं कविताओं को मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। पहली कविता है कि हमारे ये, इसमें मैंने दिखाया है कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनको संकल्प बांधना चाहिए कि उनको अपनी भाषा और अपने समाज की अस्मिता को बचाने के लिए किस तरह से मैंने प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कविता लिखी है, इसका कुड़ुक में शीर्षक है नमागे नन्ना मनो, और हिंदी में है हमें करना होगा। तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप लोगों को जो मेरी भावना है। अपने पूर्वजों की भाषा संस्कृति एवं देश को समझना होगा, उनकी कीर्ति एवं गौरवपूर्ण अतीत को वापस लाना होगा, हल जुवाट बैल के संग खेतिहर बनना होगा, धन दौलत की तरह अस्मिता की रक्षा करनी होगी, तुम हीरा हो कोयले के बीच इस गूढ़ रहस्य को समझना होगा, हड़िया दारू नशापान छोड़कर सम्मान पूर्वक जीना होगा, खेत खलिहानों बागीचों को कभी ना बेचना होगा, बंजर भूमि में फलदार वृक्षों को लगाना और बचाना होगा, चींटी की तरह लगन से दिन रात मेहनत में रमना होगा, मधुमक्खियों की तरह फूलों से रस को चूसना होगा, दुख दर्द झंझावातों में पर्वत की तरह अडिग खड़ा रहना होगा, धरती और तरोवर की छाया की तरह सबों को आश्रय देना होगा, जागो तुम शिक्षित बनो तभी हमारा समाज और राज्य विकसित होगा,
नदियों की तरह कलकल निनाद करते अनवरत बहना होगा, तुम्हें ऐ धरती पुत्र अपने हक के लिए उलगुलान करना होगा। बिरसा जतरा सिधु कान्हू वीर बुधू के बताए सन्मार्ग पर चलना होगा, हमें करना होगा। ये मेरी पहली कविता है और उसके बाद मैं कुछ और चंद कविताओं को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि जंगल जमीन जल जंगल जमीन के साथ हम आदिवासियों का बहुत जुड़ाव होता है, तो इसीलिए मैंने उनको कविता में मैंने उस भावना को पिरोया है और इसका शीर्षक है जंगल जल रहा है, परता ओला लगी, कुड़ुक में है। मैं उसका हिंदी रूपांतर आप लोगों को सुना रही हूँ। कविता तो मैंने हिंदी और कुड़ुक दोनों भाषा में लिखी है, तो उसका हिंदी मैं सुनाती हूँ। पहाड़ों की ओट में सुबह शाम उगते डूबते सूरज दिखता आग के गोले समान, अचानक एक दिन देखा मैंने जंगल में आग, सचमुच दिल में उठी हूँ देख जंगल को जलते हुए, आकाश में फैली धुएं की चादर, नीचे झुलसती धरती माँ का आंचल, वहीं बह रही थी कलकल नदियाँ छल छल झरने, सोब रहा था सारा जंगल, अमलतास पलास कोरैया और महुआ के फूलों से टिप टिप चू रहा था महुआ का रस, मदमस्त थी जंगल की हवा, सेमल और पलास के लाल फूल दमक रहे थे जैसे दमकता है दुल्हन का आंचल, चढ़ते चढ़ते मवेशी चढ़ रहे थे पहाड़ की तराई पर जैसे पर्वतारोही चढ़ते पर्वत शिखर पर, फुनगी पर बैठे तोता मैना दे रहे थे प्यार का पैगाम, आम जामुन डूम्बर पाकड़ केंद पालते हैं जंगल वासियों को, जीना यहाँ मरना यहाँ प्रकृति की गोद में, घोंसले से चींची करती चिड़ियाँ दे रही थी संदेश, प्रकृति ही है जीवनदात्री वही बुलाता वर्षा पानी, फिर क्यों जलाते हो निर्दयी मानव इस जंगल को, फिर क्या देख सकोगे मौसम का चमत्कार, जीना यहाँ अगर अमन चैन से, जीना है अगर यहाँ अमन चैन से तो पहनाओ धरती माँ को रंग बिरंगी साड़ी, सचमुच दूर से देखा मैंने जंगल में आग, गांठ बांधो इस बात को लोगो कभी न लगाना जंगल में आग, जल जंगल जमीन है हमारी पहचान, कभी न लगाना जंगल में आग, कभी न लगाना जंगल में आग। ऐसे मतलब इधर जब गर्मी का मौसम होता है लोग मशरूम उठेगा बोल के कुछ लोग जंगल में आग लगा देते हैं, सूखी पत्तियां जलती हैं और जिसमें बहुत से जड़ी बूटियां भी जल जाती हैं और पक्षियों के अंडे वगैरह भी माने मर जाते हैं, पक्षियों के घोंसले भी जल जाते हैं, ये बहुत दुखद बात होती है। तो इसलिए जंगल में कभी आग नहीं लगाना चाहिए, जंगल हमारा मतलब हमारा जीवनदायी है सचमुच, उसी को मैंने इस कविता में पिरोया है। और अब मेरी एक और कविता हमारे समाज से जुड़ी हुई महिलाओं के बारे में है, क्योंकि महिलाएं घर काम सब कुछ करती हैं, किस परिवेश में रहती हैं महिलाएं, तो उनको किस तरह शिक्षा से जोड़ना है, तो ये है मैंने लिखा है गांव की सहिया। सहिया हम लोग सखी को बोलते हैं, गांव की सहिया। मुर्गे ने दी बांग उठ गई गांव की सहिया, ढेंकी का शोर गूंजा घर घर में गलियों और चौपालों में, लकड़ी जलाती पत्ती जलाती और पकाती दाल भात और डबकाती है धान, यही तो है गांव की सहिया। बच्चा रोया चटाई भींगा और भींगा सहिया का आंचल, पीठ में बांधती बच्चे को पीठ बन जाता बच्चे का झूलना पालना, यही तो है गांव की सहिया। फेंकती गोबर लाती कुएं से पानी, जाती फिर जंगल ढोकर लाती लकड़ी की गट्ठर और पीठ पर ढोती बच्चे की मोटरी, यही तो है गांव की सहिया। आषाढ़ सावन भादो जब आता जाती खेतों की ओर, सिर पर ढोकर गुंगू डलिया और कमर पर ढोती हड़िया की गगरी, गुंगू वो जो पत्ती का बना हुआ होता है वो भी लेते जाती है और डलिया में भात चावल ले जाती है और कमर में हड़िया भी ले जाता है, जो हड़िया पेय पदार्थ मैंने कहा, चूंकि उससे थकान दूर होता है
चावल का बना हुआ पेय पदार्थ होता है, थोड़ा उसमें हल्का नशा भी रहता है, त्यौहार में लोग यूज करते हैं उसी को, वो खेत की ओर भी लेकर जाती है खेत जोतने वाले कमिया के लिए। यही तो है गांव की सहिया, मेहनत मजदूरी से दूर नहीं भागती वह, जाती हाट बाजार, बेचती सब्जी भाजी और कंदमूल, मवेशी चराती, भागती बकरी के पीछे पीछे। यही तो है गांव की सहिया। लेकिन माँ, कहनी है तुमसे एक बात मुझको, मैं बनना चाहती हूँ गांव की पढ़ी लिखी सहिया, भेजो मुझको स्कूल के अंगना, बनना चाहती हूँ मैं गांव की दिया, फैलाना चाहती हूँ मैं गांव में शिक्षा की रोशनी। यही तो होगी गांव की शिक्षित सहिया, यही तो होगी गांव की शिक्षित सहिया। ठीक है, सभी तरह का काम धाम करें, सब कुछ करें, लेकिन शिक्षा भी जीवन के लिए उतनी ही ज़रूरत है। मैंने इस कविता में यह बताने की चेष्टा की है। और धूमकुड़िया के बारे में मैंने चर्चा नहीं की, वो धूमकुड़िया मैंने स्वतंत्रता के पूर्व हमारे आदिवासी समाज में प्रत्येक गांव में धूमकुड़िया होता था, जिसमें पेल्लो एड़पा यानि युवती गृह और जोंक एड़पा यानि युवा गृह होता था। और ये मतलब यहाँ युवा गृह में पेल्लो मैंने लड़के जाते थे 10-12 साल के बाद विवाह के पहले तक वे सदस्य बनते थे, उसी तरह से युवती गृह में लड़कियां जाती थीं, मतलब कि 10-12 साल के बाद विवाह के पूर्व तक उसकी सदस्य रहती थीं, और वहां उनको जो कोटवार यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति, लड़कों के लिए एक होता था अलग, लड़कियों के लिए एक बुजुर्ग महिला होती थी जो साधारणता विडो या विधवा होती थी, वो उनको सारा गृहस्थी का काम सिखाती थी, गाना सिखाती थी, बहुत तरह का काम सिखाती थी, उसी तरह से लड़कों को सिखाया जाता था। तो वो बहुत ही हमारा एक केंद्र होता था, शिक्षा का केंद्र होता था। वो अब स्वतंत्रता के बाद नहीं रहा, लेकिन अभी भी उसकी ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन तब तक वो अपनी परंपरा से नहीं जुड़ पाएंगे जब तक उसको वे लोग निकट से ज़मीन से नहीं पकड़ेंगे। तो उसी भावना को लेकर मैंने ये कविता लिखी है धूमकुड़िया। एक जमाना था गांवों में होता था धूमकुड़िया, जो था रीति रिवाजों परंपराओं का केंद्र स्थल। मेरे गांव में भी था एक धूमकुड़िया, जिसके आंगन में आज भी खड़ा है एक विशाल सखुआ का पेड़, जो सुनाता है धूमकुड़िया की कथा कहानी। धूमकुड़िया था गांव का आन बान शान, युवक युवतियों का स्कूल, चौपाल, अखड़ा और क्रीड़ा स्थल, जहाँ बुजुर्ग बताते थे उन्हें जीवन की गूढ़ बातें, पढ़ा पंचायत के नियम कानून, कला संस्कृति परंपरा की बातें, बताते थे कृषि के औजार बनाना, नधा पैना जोड़ा, हल और जुआट, एपटा झिलगी गिड़वा, पटा रस्सी बिंदी और बांधने को मोरा और छारने को छत, बजाने को मांदर नगाड़ा बांसुरी, भांजने को लाठी तलवार, नाचने को झूमर और पैंकी, चलाने को तीर धनुष बर्छा कुल्हाड़ी लाठी और गुलेल, और जाने को सेंदरा फगुआ में जाने को सेंदरा शिकार। जब आता था फगुआ का त्यौहार, युवतियां भी कहाँ पीछे थीं, बसती थी उनकी यहाँ जान, सीखती थी वे कला संस्कृति परंपरा की बातें, फुर्सत के क्षण बनाती थी दोना पत्तल चटाई घुंघू झाड़ू नेठो, और बनाती थी वीडियो ठोसा चंदवा कैलगा, कैलगा बाल में लगाने वाला, ये उसी तरह से युवक युवतियों का अनूठा केंद्र था धूमकुड़िया। झूमर नाचती थी ये कमर में डाले हाथ, जिससे थिरकता था सारा गांव, बनाओ भाइयों गांव में एक धूमकुड़िया, सुबह शाम सखुआ पेड़ संदेश देता यही, बनाओ भाइयों गांव में एक धूमकुड़िया, जो सिखाएगा सबको अपनी समाज और भाषा की पहचान। यही संदेश है सखुआ पेड़ का, बनाओ भाइयों गांव में एक धूमकुड़िया। ये धूमकुड़िया आज भी बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ता है,
क्योंकि पढ़ा पंचायत हमारे गांव में होता था, जिसमें जो 12 गांव को मिलाकर बढ़ा 12 पढ़ा पंचायत, 21 गांवों को मिलाकर 21 पढ़ा पंचायत होता था, और उसमें एक पढ़ा राजा भी होता था, लोग दीवान पटवार पूरा दरबार होता था, ये मिलजुल कर गाँव के कोई भी किसी भी तरह के विवाद का निष्पादन ये लोग करते थे। अभी भी मुड़मा जत्रा मांडर में लगता है हमारे झारखंड में, वो एक भाग है, वो पढ़ा पंचायत का ही मतलब वो बैठक है एक तरह से, वो अभी होता है धूमधाम से, लोग देखते हैं, जहाँ सभी तरह के मतलब कि औजार और वाद्य यंत्र बिकते हैं, लोग खरीदते हैं वहाँ से। और चूंकि अभी हम लोग धान रोपा कान रोपा पर भी एक कविता लिखी है, छोटी कविता है, आषाढ़ सावन भादों का महीना आया, दिन रात हुई है बारिश, किसानों का मन वर्षा पानी, मुर्गे ने दिया बांग, चलो सखी उखाड़ने को धान बीड़ा, किसानों ने बांधा टूटी आरी, जोता कदवाया धान, बनाया रोपा खेत, लिए कंधे पर कुदाल गिड़वा, छींटा बीड़ा, भर गया खेत हरियाली से, चलो सखी रोपने को धान, ओढ़ो सखी गुंगू, बांधो बच्चे को पीठ पर, बच्चे पकड़ेंगे केकड़ा मछली और घोंघा, कीचड़ से लथपथ नहाकर, बगुले भी जोहेंगे पकड़ने को मछली केकड़ा, यह भूलकर कि आरी में होगा उनका जाल, चलो सखी रोपने को धान। ये बगुले का जाल मैंने इस संदर्भ में लिखा है कि बच्चे ये जो कमाची होता है बांस का, उसमें गोंद यानी लसा गोंद लगा करके उसको आरी में रख देते हैं कि बगुला आएगा तो फंसेगा, तो बच्चे उसको दौड़ा दौड़ा कर मजा लेंगे, तो वो करते हैं इस तरह से ये, इसीलिए उसी को मैंने लिखा है इस लाइन में। चुप कराओ सखी मुन्ने को, गाओ रोपा के मधुर गीत, ऊपर है काली बदरिया, नीचे है सफेद कांसी के फूल, चलो सखी रोपने को धान, चमक रही है बिजली, कड़क रही है बदली, भंडार कोने में पक रहा है जामुन, अब उठेगा जंगल में मशरूम, जो देता हम जंगलवासियों को सौगात, चलेंगे सखी चुनने को भी मशरूम, पर आज तो चलो सखी रोपने को धान, पर आज तो चलो सखी रोपने को धान। ये भंडार कोने में पक रहा है जामुन, शायद ये नहीं जानेंगे, भंडार कोना हम लोग दक्षिण पश्चिम कोना को बोलते हैं, जिधर से मॉनसून आता है, काले बादल रहते हैं, जिसको जामुन के साथ तुलना किया गया है, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये भंडार कोने में पक रहा है जामुन, ऐसे बोलते हैं कि जामुन पक रहा है, चलो जल्दी जल्दी घर चलो, इस तरह से हम लोग बात करते हैं आपस में, महिलाएं बात करते हैं, पुरुष भी बात करते हैं, तो ये प्रतीकात्मक है। तो ये इस तरह से मैंने अपनी जो कविता संग्रह है उसमें बहुत तरह की कविताओं का संग्रह मैंने किया है, और जो सब हमारे समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और ताकि मैं चाहती हूँ कि ये एक धरोहर बने हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और लोग अपनी भाषा के प्रति जो प्रेम भावना है, जो मैंने रस है अपनी भाषा में, उसको लोग समझेंगे, क्योंकि हम कितना भी मतलब मातृभाषा में एक अलग तरह का जुड़ाव होता है, एक रस होता है, हम जब कुड़ुक भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जब अपनी भाषा में बात करते हैं तो अपनी मन की बातों को बहुत अच्छी तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, तो और लोगों को एक अपनापन लगता है कि ये भाई मेरा अपना समाज का अपना भाई है, अपना कुड़ुक भाषी भाई है, कुड़ुक भाषी बहन है, तो इसलिए बहुत मैंने ये अपनी भाषा के साथ प्यार रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और माँ बाप और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि घर में वे लोग अपनी भाषा को रखें, अपनी भाषा से ही बच्चों के साथ बात करें, ताकि वे भाषा से जुड़ें और अपनी पहचान रखें, क्योंकि हमारी भाषा जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी, हम कैसे कहेंगे कि हम कुड़ुक हैं, जब हम खुद कुड़ुक नहीं बोलेंगे तो कैसे कहेंगे कि एन कुड़खन हिकदन, मैं कुड़ुक हूँ, कुड़ुकनी हूँ, कैसे मैं कह पाऊँगी, इसलिए सबों को भाषा बोलनी चाहिए। और इस ये बहुत मतलब मेरा आज के जितनी बातों को मैंने कहा तो इसमें मेरा सबसे मैंने संदेश यही होगा
कि हम अपने लोक गीतों को बचा कर रखें, अपनी भाषा को बचा कर रखें, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो त्यौहार हैं उसको रखें हम, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी त्यौहार होता है लोग लाउड स्पीकर चला देते हैं और लोग गाने लगते हैं, मैंने नाचने लगते हैं, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। हम लोगों को मांदर बजाने आना चाहिए, बांसुरी बजाना आना चाहिए, नगाड़ा बजाना आना चाहिए, और इन्हीं परंपरागत जो वाद्य यंत्र है अखाड़ा में इन्हीं को बजा करके हम लोगों को मतलब कि नाचना चाहिए, नृत्य झूमर करना चाहिए। आजकल के लड़के लड़कियां लाउड स्पीकर बजा देते हैं, रेडीमेड गाने लाउड स्पीकर में बजते हैं और लोग मने डिस्को या किसी भी तरह का ब्याह में भी शादी में भी नाचने लगते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम इस तरह चलेंगे तो हमारी परंपरा पीछे छूटती जाएगी, फिर हम कहाँ रह जाएंगे कहना मुश्किल है। इसीलिए अपनी परंपरा को रखने के लिए हमें हर त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाना होगा, अपनी भाषा को मैंने बरकरार रखना होगा, उसके लिए हम लोगों को रचना रचनी होगी, मैंने जितने भी साहित्यकार भाई बंधु हैं उनको अधिक से अधिक रचना करनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, हमारे जितने मुहावरे हैं जितने गीत हैं उनको मैं समेटना चाह रही हूँ, और अभी मैं फिलहाल वही काम कर रही हूँ और चाहती हूँ कि उसकी उसका मैंने एक पुस्तक निकले, ताकि आने वाले समय के लिए वो एक अच्छा धरोहर बने, क्योंकि हमारे लोग जो हैं मतलब भूलते जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, ये जनी शिकार मैं बीच में छोड़ दी, जनी शिकार का त्यौहार 12 वर्षों में एक बार आता है हमारे समाज में, और इसके पीछे भी एक कहानी है कि हमारे जो कुड़ुक भाई लोग हैं, आदिवासी कुड़ुक भाई लोग, उराव भाई लोग, दूसरे लोग भी, ये कैमूर पहाड़ जो रोहतास गढ़ है वहाँ लोग मैंने रहते थे, वहाँ उनका गढ़ था, वहाँ उनका राजपाट था, लेकिन वहाँ मतलब बहुत ये लोग आराम से रहते थे, बहुत उन्नति इन्होंने किया, लेकिन किसी मैंने कहा जाता है कि एक बार मतलब यहाँ आक्रमण हुआ, आक्रमण के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने जानकारी अभी तक नहीं हो पाया है कि किनके द्वारा किस ईस्वी में हुआ, लेकिन इतना गीतों में है कि आक्रमण हुआ, हम गाना गाते हैं आक्रमण हुआ, और हमारी महिलाओं ने मैंने बहुत अधिक मैंने पैंट शर्ट पहन करके और पगड़ी बांध करके, कमीज पहन करके, धोती पहन करके उनका मुकाबला किया था। तो उसमें ये हुआ कि जो सेंद्रा या शिकार, फगुआ शिकार बोलते हैं, तो ये त्यौहार आया था, तो पुरुष वर्ग चले गए थे शिकार खेलने के लिए सुदूर जंगलों में, एक महिला जो दूध पहुंचाती थी गढ़ में वो अंदर की बातों को जानती थी, आक्रांता जो थे उनके साथ उन्होंने साठ गांठ किया और वो अंदर की बात उन्होंने ले लिया, जासूसी करके वो महिला बतला दी कि अभी तो पुरुष वर्ग नहीं है गढ़ में, सारे लोग बाहर चले गए हैं शिकार खेलने के लिए, अभी आप आक्रमण कीजिएगा आप जीत जाइएगा गढ़ को। तो इस परिस्थिति में ये लोग पूरा दल बल के साथ आक्रमण करते हैं, महिलाएं भौचक हो जाती हैं, पुरुष वर्ग नहीं है लेकिन हिम्मती होती हैं, मैंने हम वीरंगनाएं हैं, सिंगी दई वहाँ की मैंने राजकुमारी थी, उन्होंने सारे महिलाओं को एकत्र किया, लोग धोती पहने, कमीज पहने, पगड़ी बांधे, और जितना जो सामान मिला, लाठी, बर्छा, तीर, धनुष, तलवार, जो मिला हाथ में लेकर के ये लोग कूद गई रोहतासगढ़ के नीचे, सोन नदी बहती वहाँ तक नीचे तक इन्होंने दुश्मनों को मार भगाया। अब दुश्मन आए वो ग्वालियर के पास जिसका नाम लुंद्री था, उन्होंने पूछा कि आपने हमें गलत सूचना दी, अब ये कौन थे आप, कहे पुरुष वर्ग नहीं है, सारे के सारे लोग तो आए और हम लोगों को भगाए, सब इतने बलवान थे और इतने वीर सेनानी थे। बोलती है नहीं, आप लोग देखो ये महिलाएं थी, पगड़ी बांधी थी, आप देखिए सोन नदी में जब वे मुंह धोएंगी तब ये पुरुष तो एक हाथ सांजूरी से चेहरा धोता है और महिलाएं दोनों अंजूरी से चेहरा धोएंगी, समझ जाइए कि महिलाएं हैं। दूसरी बार उन्होंने आक्रमण किया, दूसरी बार भी वे लोग हार कर लौट गए, तब उन्होंने छिप कर देखा, सचमुच महिलाएं जब मुंह हाथ धोने लगी तो दोनों अंजूरी से धो रही हैं, तब उनको हुआ कि ये सही बात है। तीसरी बार उन्होंने आक्रमण किया, महिलाएं तैयार नहीं थीं और ये गढ़ छोड़कर मैंने झारखंड की ओर आ जाती हैं, रोहतासगढ़ से दक्षिणी कोइल को पार करते हुए उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल को पार करते हुए आ जाते हैं, और इस तरह से झारखंड में ये लोग रहने लगे। तो उसी की यादगारी में ये जनी शिकार का त्यौहार 12 वर्षों में मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं उसी की यादगारी में पगड़ी बांधती हैं, धोती पहनती हैं, पैंट शर्ट पहनती हैं, कमीज पहनती हैं, लाठी डंडा पकड़कर एक गांव से दूसरे गांव मतलब कि जाती हैं शिकार खेलने के लिए। तो एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जो एरिया आता है उसमें ये लोग जो भी जानवर मिलता है, जैसे मुर्गी मिला या बकरी का बच्चा मिला, जो उसके पहले ये लोग मतलब कि डुगडुगी पिटवा देते हैं कि आज फलाने गांव की महिलाएं जनी शिकार जा रहे हैं, आप लोग अपने मवेशियों की रखवाली करना।
इसलिए ये लोग बेखौफ होकर के जो मिलता है उसको ये लोग मार कर पकड़ कर ले आती हैं, उसके बाद उसको पिकनिक की तरह सब मिल बांट कर उत्सव मनाती हैं और मैंने खाती हैं। तो ये जनी शिकार 12 वर्षों के बाद आता है, तो ये कुडुख समाज में ये अभी भी ये परंपरा प्रचलित है। तो हमको लगता है ये शायद कब होगा, 12 2029 में फिर होगा, इधर हुआ था ठीक एग्जैक्ट अभी उनको याद नहीं हो रहा है। तो ये मैंने जनी शिकार का त्यौहार भी एक बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा वीर वीरांगनाओं का त्यौहार इसको हम लोग कहेंगे, तो ये भी होता है। और मैंने अभी तो खैर धूमकुड़िया नहीं है, पढ़ा पंचायत नहीं है, तो ये सब मैंने है छदम रूप में है, लेकिन इसको स्थापित करना चाहिए, होना चाहिए हर गांव में, तो गांव में एकता की भावना और अधिक मजबूत होगी। जैसे सामुदायिकता की भावना तो है ही, लेकिन और अधिक एकता की भावना होगी। तो मैं इन्हीं सब बातों से मैंने अपने जो मेरा वक्तव्य है उसे मैं समाप्त करना चाहती हूँ। और आप लोग इतनी देर तक बहुत धीरज पूर्वक आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब हमको पुनः एक बार मैंने उषा किरण अतराम मैडम को, कमलेश जी को, ये विचू अडे जी को, और उसके बाद नंद किशोर नेताम जी को, आप लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, आप सबों को मैं एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फिर शुभकामना देती हूँ कि ये जो गोंडवाना दर्शन है इसका जो कार्यक्रम है ये लगातार चलते रहना चाहिए, नए नए लोगों को आप जोड़ते जाइए, नए नए समाज की नई नई बातों को हम जानेंगे और हम इतना जान पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में हमारे कितने आदिवासी समाज हैं, उनका जीवन मैंने जीवन कैसा है, उनकी शैली जीवन शैली कैसी है, उनकी परंपराएं कैसी हैं, उनकी मैंने भाषा कैसी है। जैसे हम आप लोगों के साथ मैंने कुडुख में गाना गाया तो मेरी भाषा कुछ समझ में आई या नहीं, ये सब हम लोग और लोगों की बातों को भी सुनेंगे और लोगों के लोकगीतों को सुनेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे समाज में की बहुत सारी बातों को मैंने बताने की कोशिश की, मेरा प्रयास रहा कि बहुत अधिक समय तो नहीं था इसलिए मैंने संक्षेप में ही बहुत सारी बातों को रखने का प्रयास किया और आप लोगों ने सुना। पुनः एक बार सब उनको धन्यवाद और शुभकामनाएं और अभिनंदन।